तो भाई गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। लेट हो चुका हूँ मैं कॉलेज के लिए और आज थोड़ी ना सोच रहे सोसाइटी के ओरिएंटेशन टाइप्स दे दें बच्चों को, ताकि बच्चे और जो कल से लेक्चर स्टार्ट करते, बाकी सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तो अभी चल रहे हैं, तैयार हो रहा हूँ, तैयार तो हो चुका हूँ, फेस में मास्क लगाता हूँ और चलते हैं अपना कॉलेज। कॉलेज में मिलेंगे आपसे। और बच्चे भाई बेस्ट पिज़्ज़ा ऑफ PGDAV, ये भाई अपने बहुत बड़े पिज़्ज़ा बनाते हैं, अपना बेस, अपना सब कुछ। ये चोर भाई सोच आगे बैठ तो भाई पहले अपना नाम बताओ। वंशिका। प्रणवी। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि मतलब ठीक है या फिर आपका दिमाग चेक करना है बेसिकली, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़का हो या लड़की हो, मतलब दोनों कितने भी गोरे हो उनका काला होता है? बाल ब्राउन भी होते हैं क्या? तो क्या चुप रहे, एक मिनट देर से पूछ लिया। नहीं, हम बताते हैं आपको। हाँ, क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की गोरे होते हैं बट वो चीज काली होती है, मतलब आईबॉल नहीं, ब्राउन तो काले ही होते हैं। अरे यार भाई, बच्चों वाली बात है, आप बताओ। आप बताओ, सोचो तो। नहीं, किस्मत अपनी बातें कर रहे हैं। काला होता है क्या? काला होता है भाई, क्या ढूंढ रही है? अरे मतलब दांत नहीं होते काले, जीभ भी नहीं होती। और अरे यार बाल ही होते हो, और क्या होता है, और क्या होता है काला है? तो गंदा आंसर होगा इसका, मैं बता रही हूँ। नहीं, वो नहीं बोलना चाह रहे ना हम, वो नहीं, वो क्या नहीं बोलना चाह रहे। अरे वो नहीं बोलना चाह रहे, क्या नहीं बोलना चाह रहे भाई? के हिसाब से जो सबसे लीस्ट, बता जल्दी बता, जल्दी बताओ बच्ची का, समझ आना भी है। जल्दी यार, इतना टाइम थोड़ी लेते हैं, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। सबका काला होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। रुक जा, बताओ जल्दी बताओ। बाल हो सकते हैं, बाल तो ब्राउन भी होते हैं कुछ लोगों के नेचुरली, पता नहीं, आप बताओ। सोचो यार, नहीं थोड़ा बताओ, सोचो। नहीं, हमने बहुत सोच सकते हैं, हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ये क्या बात, परछाई काली काली होती है, वाह वाह, ओह माय गॉड। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसके सर पर पैर होते हैं, ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? रुक जा यार, तू मत बोल, जरा आ जाइए। चिड़िया जिसके सर पे पैर होते हैं, ऐसी कौन सी चिड़िया जिसके सर पर पैर होते हैं? बताओ जल्दी बताओ, आप गार्ड हो ना, आप यहाँ पे रोक नहीं सकते। बस बस कंट्रोल। हाँ तो भाई बताओ यार। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर चिड़िया के सर पर पैर होते हैं, हर चिड़िया के सर पर पैर कैसे हो सकते हैं? ओ भाई, इतने गंदे लड़की मेरी तरह होशियार नहीं हो सकती ना, अब क्या करें? तो भाई उन्हीं लड़कियों से वापस दो क्वेश्चन और पूछेंगे, एक सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, तो तुम एक बार में बता दोगे। ऐसी कौन सी चीज है जो थूक लगा के डालते हैं? धागा डालते सुई में। हाँ। चलो दूसरा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़का करते हुए थक जाता है पर लड़की को उससे मन नहीं भरता? अरे मत कर यार दीदी, लड़का करते हुए थक जाता है पर लड़की को उससे मन नहीं भरता। इधर आओ, लड़की कैसे हो रही है? बताओ भाई बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़का करते हुए थक जाता है पर लड़की का मन नहीं भरता? लड़की को होता है और गॉसिप्स, चुगली, लड़का भी नहीं थकता इसमें। क्या मतलब, अपनी बात कर रहे हो? मैं नहीं थकता भाई, बात करते हो। लड़का मनाते हुए थक जाता है, लड़की मानने नहीं यार, लड़की को होता है कि और कितना गंदा दिमाग है इनका। बताओ यार,
तेरा? नहीं पता शॉपिंग। ओ शॉपिंग यार। चलो बाय बाय। तो भाई अभी मतलब हनुमान जी के दर्शन करे हैं यहाँ वाले, बट शिव मानसी जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँच रहे हो इनफैक्ट हनुमान मंदिर सीपी वाले, तो हम भी वहीं चल रहे हैं। प्रमोद भाई चले क्या? बिल्कुल चलेंगे। महादेव 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 जय श्री राम। चल रहे हैं मंदिर में, मिलते हैं। फ़ोन वैसे ओपन वाला शायद रिकॉर्ड हो पाए, बट चल रहे हैं। प्रमोद तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं तेरी दीवानी। ये भगवान आपकी दीवानी, तेरी दीवानी। आज हमारे हनुमान मंदिर, हम खा रहे कचौड़ी। गाइस कचौड़ी खा लो। बाय ब्रो। बाय ब्रो। टाटा। अच्छा लगा आपसे मिलके। मैन यू आर अ नाइस मैन। और मिले हो? यू आर नाइस मैन टू मैन। तो भाई फाइनली घर पहुंच चुका हूँ मैं अपने। लेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। 10 बजे के अप्रॉक्स तो मैं वहाँ से निकला था। मानसी जी तो चले गए थे, बाकी मैं प्रमोद को बाय बोल के फिर अपने घर आया। बाकी अच्छा लग रहा था मंदिर में। फिर ना मंदिर जाके अच्छा तो लगा था। कॉलेज के पास वाले मंदिर गए थे, उसके बाद फिर वहाँ गए। बाकी मैंने आज कॉलेज की मतलब जो जूनियर्स हैं हमारी की वंशी को और दूसरे वाले का नाम हो गया सॉरी, तो उनके मैं मतलब चेक कर रहा था कि कौन कितना गंदा सोच सकता है। भाई वो दोनों ने गंदा सोचा, वो बस दिखा रहे थे कि हाँ वो देवले कि हाँ आंसर नहीं करना है ऐसा, इसलिए वो आंसर कर रहे थे। बाकी सोच तो भाई गंदी है। 39 questions का ब्लॉग आज फिर यहीं पर ख़त्म करेंगे हम। बाकी यार कुछ लोग नफरत करवा रहे हैं, बहुत गंदी नफरत करवा रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सही है भाई। तुम अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहेंगे, देखते जाएंगे। बाकी मौज लो, रोज लो, ना मिले खोज लो। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मैं सो रहा हूँ, मेरी होगी तबीयत ख़राब हो।